हेलो राधे राधे, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ नीचे पंडाल देखने, मंडप। हाँ हाँ भैया, का दे दो मंडप देखने कि कैसा सजाया, क्या है, आपको दिखाने भी। तो ये देखिए, ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है, झूमर भी लगा है, सारा कुछ है। और इस बार का पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया मुझे। और गणपति जी की फुल तैयारी हो चुकी है। और ये देख सकते झूमर कितना प्यारा लगा है, सबको एक्साइटमेंट बहुत है, सारे लोग बहुत खुश हैं और बहुत ही ज़ोरों शोरों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो यहाँ से अब मैं चलूँगी उस तरफ जहाँ पर गणपति जी हैं, सब लोग ला के बाहर ही रखे थे मेन गेट के पास, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। और लल्ला को, मम्मी को कुछ खाना भी था, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो मम्मी वगैरह अकेले के लिए क्या बनाएंगी, तो चलिए वहाँ पे वो कुछ खा भी लेंगी। तो यहाँ हो चुकी है तैयारी और इंतज़ार है तो सिर्फ गणपति बप्पा जी का, जो कि आएंगे अभी 2-3 घंटे में। और सभी को पसंद आया एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे गणपति जी को ला के गाड़ी रोका हुई है और यहाँ पे म्यूजिक लगा है, डांस कर रहे हैं और मैं यहीं से वेट कर रही हूँ। इस तरफ बच्चे और मम्मी ना जाना पड़े, खा ली क्योंकि यहाँ पे फास्ट चल रहा है, चले गए ऑफिस, तो ताकि इनको खाना बनाना पड़ना पड़े, क्योंकि आज तो मैं बना नहीं सकती और मम्मी के थोड़ा सा मैं कुछ खा के आ जाती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे लोग, यहाँ देखिए खूब म्यूज़िक, मैंने म्यूज़िक मैं इसलिए म्यूट कर देती ताकि कॉपीराइट ना आए, कॉपीराइट का बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे। तो यहाँ देखिए मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत टाइम से मैं खड़ी हूँ, बज रहा है 10:30 बज रहा है और कुछ 1 बजे के आसपास आए थे गणपति जी को विराजमान किए थे मुझे ऐसा लगता है। हाँ तो मैं ज़्यादा टाइम तक खड़ी नहीं हूँ, मम्मी बोली बैठ जाइए पे, यहीं से आएंगे तो यहीं से अपन देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे और साथ में भी चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये यहाँ मैं इतनी इसलिए खुश हो रही थी कि जब भी फटाका फूट रहा था ना तो मेरा कैमरा ऑफ हो जा रहा था, फिर ऑन करते करते फिर पता बंद हो जा रहा था, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कैप्चर कर लिया। तो देखा आपने लोगों के अंदर कितनी उत्साह है, कितनी भीड़ है, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खूब मस्त म्यूज़िक लगा था, सब लोग डांस कर रहे थे, मैंने म्यूट कर दिया। मैं म्यूट नहीं अगर करूँगी तो मेरे चैनल को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं म्यूट कर लेती हूँ, उसके लिए सॉरी। बट बहुत ही अच्छा सा गाना बज रहा था। तो ये पहला दर्शन कर लीजिए आप लोग, ये हैं गणपति जी। मैं आ गई हूँ घर और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, बहुत हैवी हैवी सा लग रहा है और सबसे पहले ये निकालूंगी ऐसा लग रहा है ईटा रखा है, और ये निकाल के कपड़े उसके बाद फिर थोड़ा लेटूंगी, बहुत बोला भी नहीं जा रहा है, प्यास लग रही है और चेंज करती हूँ और कल की गणपति की तैयारी। ये है मेकअप क्लीन करने का, हाँ यार मस्त क्लीन हो गया, वाह। ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, आँखों का दिखती हूँ, वाह। ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर, जो जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ज़्यादा निकाल लिया, मत निकालो और वेस्ट मत करो। मेकअप है, मेकअप है, मेकअप है, सोने से पहले ना मेकअप निकाल देना ही बेहतर होता है। मेकअप, मेकअप, ओके हो गया, देखो पूरा कलर हो गया। तो ये आप अभी यूज कर सकते हैं। रुक जा, अरे यार बेबी तुम क्या कर दी, पूरा खराब कर दी, एक सामान मेरा अच्छे से रहने नहीं देती हो तुम। उतर गया ना मेकअप, चलो बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट व्लॉग में, मैं मिलती हूँ। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, गजरा भी निकाल देती हूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन। आज का फेस्टिवल तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलो गुड नाइट, बाय। हाय गाइस,
पेगी बेबी से छुप के हम लोग जा रहे हैं नीचे और नीचे अरे कंपास लिया नहीं तू गया है कंपास लेने भूल गया था वो आज नीचे ड्राइंग कंपटीशन है तो देखते हैं अभी चलना क्या करते हैं कैसे करते हैं और बाकी मैं दर्शन भी कराती हूँ आपको बोल के गया कि इधर ही खड़े रहना है ऐसे हिलना भी मत नहीं तो मैं बहुत रोने वाला हूँ तो मैं यहीं खड़ी हूँ देखती हूँ जीरो सारे बच्चे लोग जा रहे ड्राइंग करने लल्ला आराम से करना घाई घाई मत करना ठीक है दूसरे का देखना मत कि उनका जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है और सिर्फ अपने इस पे फोकस करना ना हाँ वो लोग भी लेके जा रहे हैं लल्ला मैंने जो बोला वो देखना ध्यान से ठीक है तो ये देखिए दोस्तों गणपति बप्पा मोरिया लल्ला हाँ गणपति पप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया कितने क्यूट है ना और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हो रहा है और यहाँ बच्चे लोग ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है तो सब लोग को ऊपर बिठाया है पाँच से लेके तीन से लेके सात साल तक कुछ ऐसा ऊपर थे और बाकी लोग को नीचे बिठाए थे बड़े बच्चों को तो मेरा बेटा भी फिर नीचे आ गया क्योंकि वो सात साल के कंप्लीट हो गया है आठवां रनिंग है तो एकदम छोटे बच्चे जो जूनियर थे वो ऊपर थे और बहुत ही अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बना रहे थे सब लोग और इन लोग को देख के ये लग रहा था कि कंपटीशन लेवल हाई वाला था इतने प्यारे प्यारे लोग बना रहे थे ड्राइंग और जो छोटे बच्चे थे ना तीन साल के ऊपर सात साल के अंदर वाले उनको स्केच ऑलरेडी बनाया था सिर्फ कलरिंग करना था लेकिन कलर भी वो लोग बिल्कुल अच्छे से कर रहे थे एकदम आउटलाइन नहीं एकदम परफेक्ट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि देखो हर एक चीज़ में कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता ही जा रहा है ये देखो मेरे लल्ला ने बनाया है शिवलिंग गणपति जी और शिवलिंग पे नाग देवता है और बाजू में त्रिशूल बनाया है ये देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये देखिए शिवाजी बना रहा है बच्चा कितना अच्छा बना रहा है वाओ माय गॉड ब्रिलियंट मतलब एक एक से लोग थे बच्चे थे वहाँ पे जो बना रहे थे एक चीज़ और ये लड़की एक औरत बनाई है जिसके मुंह पर हाथ रखा है किसी ने चुप कराने के लिए कितना अच्छा मैसेज दे रही है मतलब कहते हैं ना लड़कियों को हमेशा कितना ये करना पड़ता है तो ये शाम का टाइम है यहाँ पे कैरम बोर्ड चेस ये सब गेम्स सब लोग खेल रहे थे बैठ के बच्चे लोग भी खेल रहे थे बड़े लोग भी खेल रहे थे हाँ उसके बाद मैं सोची थी ये देखो चेस खेल रही मैं सोची थी कि आरती का टाइम हो गया पर ऐसा नहीं फिर मुझे ऊपर जाना पड़ा ऊपर जाके फिर मैं आई नीचे उसके बाद फिर लल्ला यहीं खेल रहे थे लल्ला को छोड़ के मैं ऊपर चली गई थी थोड़ी देर बाद आई तो देखिए ये जो बैंड वाले भैया लोग हैं कितनी अच्छी से आरती कर रहे हैं और खूब अच्छा लग रहा था खूब जोर जोर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे लगता है पाँच सात से ज़्यादा ही आरती किए होंगे और मुझे लगता है कि पिछली बार भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था पर इस बार मुझे लगता है कि हर साल दस साल ग्रोथ होते ही जा रहा है और बहुत अच्छा था
पिछले साल से भी अच्छा हो सकता है, इस साल से भी आगे वाला आने वाला साल वो भी अच्छा हो। तो सारी व्यवस्था है, सारा कुछ बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हुआ था। और गणपति जी की जो भी डेकोरेशन ये सब सारा कुछ अच्छा है, जैसा कि आपने देखा ही है। तो आरती में बने रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए और बने रहिए एंड तक। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।